अर्थप्रकाश देखने तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त हम रादौर के अंदर खड़े हैं और ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है हरियाणा की। वो इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने यहाँ के मौजूदा MLA की टिकट काटकर अपना भरोसा श्री करण देव कंबोज जी पर जताया है। और करण देव कंबोज जी जो इंद्री से MLA हैं और साथ में वो मिनिस्टर भी हैं पार्टी के अंदर। अब हम यहाँ पर ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देख रहे हैं कि यहाँ की जनता उनके बारे में क्या सोचती है। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? दलेर सिंह। दिलेर सिंह जी, क्या क्या लगता है आपको इस इलेक्शन का यहाँ पर मौजूद? सब की मंतजब बाकी वन टू ऑल। वन टू ऑल में कौन? वन टू ऑल में सारी पार्टियाँ, सिर्फ एक आदमी बीजेपी ओनली। बीजेपी अब बनेगी सिर्फ, और कोई नहीं बनेगा। क्या कारण है बीजेपी? बीजेपी बनने का जो है मोदी जी की आर्थिक जो नीतियाँ ना, इतनी बढ़िया है। इतना काम कराया मोदी जी ने बिना पर्ची बिना खर्च के। मनोहर लाल खट्टर ने सर्विस दी लोगों को, जितनी सड़कें हैं बनाई सारी, और सारे ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी मतलब यह काम कराया आज तक 50 साल 70 साल है देश ना जाए, आज तक किसी ने काम नहीं करा। तो प्यारे भाई, अब हम आगे चलते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सत सिंह। करमजीत सिंह भैया। गांव कौन सा है आपका? मेरा जोड़ मात्रा पड़ता है। अच्छा जी हाँ। तो आपको क्या लगता है इस जगह पर जो आज मौजूदा स्थिति है? जो मौजूदा स्थिति तो बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 75 पार का नारा है हमारा, 75 पार करेंगे। करण देव जी तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वोटों से लीड कर रहे हैं। तो ऐसे ही लगता है जैसे इस तरह से उनका हल्का चेंज किया गया है, तो यहाँ के जो पुराने MLA हैं उनका कितना सहयोग मिल रहा है? अरे सर, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। राणा जी भी सहयोग कर रहे हैं और करण देव जी का अपना हल्का ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी तरह की भी क्लियर सीट है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम आगे बात करते हैं अपने सुनील जी, संजय वर्मा जी कैसे आपको लगता है अब यहाँ पर न्यूट्रल होकर क्या पोजिशन है यहाँ पर? पोजीशन ऐसा है भाई साहब, इस हलके की तरफ आज तक जितनी भी सरकारें बनी, मेरा रादौर विधानसभा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हमारी 4 विधानसभा यहाँ पे है। भूतपूर्व में जितनी भी सरकारें रही भाजपा को छोड़कर, कोई भी विकास कार्य की तरफ किसी भी सरकार का इधर ध्यान नहीं गया। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देने वाला डिस्ट्रिक्ट है ये, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो। मेरे यहाँ पे प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है वो हमारे हरियाणा छोड़ो, हमारे लगभग इंडिया में सबसे बड़ी प्लाईवुड इंडस्ट्री यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देते हैं हम, लेकिन विकास यहाँ पे लगा लो 0। उधर हमारा बर्तन का इंडस्ट्री बहुत पुराना शहर है, जगाधरी पड़ता है मेरे नज़दीक, जगाधरी से रेवेन्यू बहुत जाता है। तो मतलब रेवेन्यू देने के बाद भी किसी भी सरकार ने इधर हमारी विकास की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब आप ये देखो, जब विकास की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जब यहाँ पे भाजपा आई, अब ये रादौर में आप देख रहे हो ये हमारा वन वे साइड बन गया है। ऐसे ही आप अगर यमुनानगर तक जाओगे, आपको कहीं भी सड़क में आप गाड़ी से अगर आए हैं, मीडिया हमारा खुद दिखा देगा रियलिटी रिपोर्ट क्या है, आपको किसी सड़क में यमुनानगर तक खड्डा महसूस नहीं होगा। हमारे यहाँ पे फ्लाईओवर जो बनाया गया है यमुनानगर से लेके और पंचकूला सीधा जाता है। अब आप ये बात है, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में बताया, लेकिन आप ये बताइए कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर, अब इलेक्शन है, ये इलेक्शन में आपके क्या क्या एजेंडे हैं? इलेक्शन में हमारा मेन एजेंडा तो हमारे मोदी जी ने दे रखा है, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, मेन एजेंडा हमारा यही है। मनोहर जी ने कहा है बिना पर्ची बिना खर्ची बिना सिफारिश के, अगर आपके बच्चे में काबिलियत है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का ऐसी बोर्ड का आप एग्ज़ाम क्लियर करो, आपको 110% नौकरी मिलेगी बिना किसी सिफारिश के। और ये उदाहरण जनता खुद देती है, अभी मेरा बच्चा बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी पैसे के नौकरी लगा। पहले कोई भी था, जितना मोटा पैसा दो उतनी मोटी नौकरी। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे? यहाँ की जनता ने विकास कार्य अपनी आंखों से वर्तमान में देख लिए हैं कि विकास किस नाम, विकास जो है किस चिड़िया का नाम है। पर इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि यहाँ के मौजूदा विधायक की टिकट काटी गई है, आपको नहीं लगता कि इस स्थिति के अंदर इस इलेक्शन को आपको मेंटेन करने में, टेम्पो बनाने में कुछ परेशानियाँ महसूस हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैडर बेस पार्टी है, भाजपा में व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारा विधायक कमल का फूल है, ना कि हम किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता हैं। तो देखिए, आपने इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम यहाँ पर कमल के फूल से हमारा मतलब है किसी भी व्यक्ति से नहीं है। अब हम बात करें, इन्होंने यूथ की बात की, अब हम यूथ से पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, आप यूथ हो तो आपको जैसे इन्होंने बात की है वो उस बात में कहाँ तक सच्चाई, इसके बारे में बताइए। सच्चाई तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पर्ची और खर्ची का सिस्टम बंद करा, इसमें 100% है। आज एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, एक जूते काटने वाले का बच्चा SC लग सकता है,
तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने की ही नीति से लग सकता है, नहीं तो एस सी एस की नौकरी तो या तो इनके बिल्कुल जो नज़दीक के होते थे पार्टियों के वो लग सकते थे, या फिर खर्ची और पर्ची वाले सिस्टम से पैसे जिसके पास ज़्यादा होते थे। तो अच्छा, आपने ये महसूस किया, आपके नौजवान साथी भी होंगे, वो क्या सोचते हैं इस पार्टी के बारे में? इस पार्टी के बारे में इसलिए सोचते हैं कि एक नौजवान को पढ़ने की उमंग इस पार्टी ने दी है। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? आयुष जी। आयुष जी, जो इन्होंने बात की उस बात पे कहाँ तक सच्चाई है? 100% सच्चाई जी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? रजत कंबोज। रजत जी, आपको क्या लगता है जो ये इलेक्शन चल रहा है यहाँ पर, वो वेव्स के बारे में कि कैसे वेव एक तरफ है, क्या और भी कोई मुकाबले में है, तो आप बताइए, निष्पक्ष होकर बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में 50,000 वोटों से विजयी होगी। देखिए, रजत जी ने ये अनाउंस भी कर दिया आज की भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 50,000 की लीड भी बता दी है, यानी चुनाव से पहले इन्होंने ऐलान कर दिया अपनी जीत का, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं, क्या अपना बेटा? अखिल। अखिल, गांव कौन सा आपका? गांजनू। अच्छा, क्या लगता है इधर आपको? यहाँ तो हर तरफ भगवा है, तो पूछने वाली बात ही नहीं है, कमल का फूल है, भगवा है। क्यों भगवा है, और क्यों नहीं? क्योंकि और भी पार्टियां अपनी अपनी बातें कह रही हैं कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह के नई डेवलपमेंट हुई है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, तो आपकी दृष्टि में भगवा क्यों है, ये आप स्पष्ट कीजिए। स्पष्टीकरण मैं दूं, 90 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में है। अगर रोहतक से मुख्यमंत्री बनता था तो आपको पता है कि रोहतक से बाहर उस व्यक्ति ने कभी निकल के नहीं देखा। सिरसा से मुख्यमंत्री बना तो सिरसा से कभी बाहर निकल के नहीं देखा। भिवानी से मुख्यमंत्री बना तो भिवानी से बाहर निकल के नहीं देखा। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने एक ऐसा काम करके दिखाया है कि सभी 90 के 90 हलकों में समान रूप से विकास कार्य कराए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन। तो इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी पे मोहर लगाई। अब हम बात करते हैं अंकल जी से। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी, आपका गांव कौन सा? चंडीगढ़। तो यहाँ पर आप कैसे इलेक्शन? मैं बहुत प्रभावित हूँ मंत्री जी से, और जगह जगह जाके देखा है मैंने। तो मंत्री जी की आपको कौन सी बात प्रभावित की? आप इतनी दूर से, आप एक इलेक्शन के लिए उनके लिए आए हो, कुछ खिंचाव देखा होगा, कौन सी एक खूबी देखी आपने, एक खूबी बता दीजिए। इनकी ये खूबी है, आप पता भी कर लेना, बच्चों को ये नहीं पता हमारे बाबा जी कब आते हैं कब जाते हैं। कभी भी अंधेरा होने से पहले अपने गांव में नहीं गए ये घर पे, चाहे कोई फंक्शन है कुछ भी हुआ है, पूरा समय इन्होंने अपने पब्लिक में इंद्री में लगाया। और चंडीगढ़ में आके मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से पूरी अपनी दास्तान बता के इतने काम करवाए हैं इंद्री में। इंद्री के लोग आपको बता भी देंगे, मैं भी आपको बता दूं थोड़ा। जैसे रेस्ट हाउस अंग्रेज़ों के ज़माने का था, रेस्ट हाउस नया बनवाया, और इंद्री की पब्लिक के लिए घूमने को शाम को कोई जगह नहीं थी ऐसी, आदमी तो चला जाए पटरियों पर, महिलाओं के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी। हर्बल पार्क बहुत अच्छा बनवाया, नौजवानों के लिए इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बनवाया वहाँ पे इंद्री में जी। देखिए, आपने देखा कि रणधीर सिंह जी ने इतने प्रभावित हैं मंत्री जी से, वो चंडीगढ़ से अपना काम छोड़कर इस इलेक्शन में आए हैं, और आपको इस बात से ये अंदाजा होगा कि हाई कमान ने जो मौजूदा विधायक की टिकट काटकर श्री करण देव कंबोज पर विश्वास दिलाया है, आपको रणधीर सिंह जी की बातों से पता चल गया होगा कि हाई कमान इस मामले में कितना सही था। अब हम बात करते हैं आगे चलते हैं इधर। हाँ जी, क्या नाम है बेटा? सोनू कुमार जी। सोनू कुमार जी, कैसा लगता है इधर? अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे। तो आपका गांव कौन सा है? मेरा लक्ष्यवास गांव है जी। हल्का कौन सा? राधौर ब्लॉक ही पड़ता है जी। तो आपको जो इलेक्शन चल रहा है उसमें क्या लगता है? यहाँ पे हमारे करण देव जी का ही है, हमारा यहाँ पे जो भी है इन्हीं के बारे में अच्छा भी है, पहले भी ये मंत्री जी भी रह चुके हैं। क्योंकि और भी कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हैं, तो उनका जो के बारे में क्या? सभी मेरे हल्के के तो सभी वैसे ज़्यादातर लोग भाजपा के साथ ही जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सारा हल्का एक तरफ हो गए, एकजुट हो गए, भाजपा को समर्थन कर रहा है, और ये अच्छी बात भी है। तो भाइयों बहनों, आपने देखा कि इस वक्त रादौर में जो इलेक्शंस है, और एक भी लड़का अभी बीच में और यूथ आ गया। बेटे, क्या नाम है आपका? अभिषेक है जी। अभिषेक, गाँव कौन सा? कांजनू है जी, पास में पड़ता है 2 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा, कैसा है यहाँ पर लग रहा है इलेक्शन का आपको, निष्पक्ष बताइए, निष्पक्ष बिल्कुल। जिस प्रकार पहले भाई साहब ने बताया था कि पर्ची खर्ची वाला सिस्टम खत्म कर दिया, आज मेरे को भी उम्मीद है कि अगर मैं पढ़ूंगा और पेपर पास करूंगा तो मैं नौकरी लग जाऊंगा। तो आप किसी ऐसे अपने दोस्त का नाम भी बता सकते हैं जिसको ऐसे नौकरी लगी हो घर बैठे? रादौर से ही है जी, अपना मेरे साथ पढ़ता था लड़का, आज सब इंस्पेक्टर लगा हो इसी भर्ती में, तो अब जो थोड़े दिन पहले भर्ती हुई थी, सब इंस्पेक्टर 2 लड़के लगे हैं। और जिस प्रकार दूसरे भाई ने बताया था कि
सारी विधानसभा में सामान्य विकास हुए हैं सभी के, ये नहीं छोटा कि भाई यहाँ का मुख्यमंत्री है तो ये काम होंगे, सारी विधानसभा बराबर काम करे सारी जगह, कोई वो नहीं है। और अपने मंत्री जी की तो ऐसी थी, यहाँ से जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपने इंद्रिय हल्के में भी अपना घर समझ कर वहाँ पर पूरे कार्य करे हैं और इसलिए उनको यहाँ भेजा है, जो कमी यहाँ रहती है वो इस बार वो पूरी करेंगे। और यहाँ की जनता को भी विश्वास है, भरोसा है कि वो यहाँ से चुनाव जीतकर इस हलके को नंबर वन पूरे हरियाणा में नंबर वन पर लेकर आएंगे। तो साथियों हम इस वक्त रादौर के मेन बाजार के अंदर खड़े हैं और ग्राउंड लेवल रिपोर्ट बता रहे हैं और हम अपनी जनता को बता रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर कि यहाँ पर वेव क्या है, क्या स्थिति है, सभी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं। और आइए हम पता करें इस बाजार में जाकर जनता से रूबरू होकर, बुजुर्गों से, बच्चों से, दुकानदारों से कि वो क्या सोचते हैं। भाजी नमस्कार जी, नाम क्या जी आपका? जय सिंह जी। जय सिंह। अच्छा गांव कौन सा जी आपका? संधाड़ा। अच्छा हल्का? रादौर। अच्छा कैसे लगता है आपको इस वक्त यहाँ पोजीशन, जो इलेक्शन जो चल रहा है यहाँ पर? अरविंद लग गया जा। हाँ कैसे कैसे लग लग रहा है? उन्होंने तो भी बादल नहीं, बारिश नहीं होनी चाहिए। हैं जी बारिश नहीं होनी चाहिए, जीरियाँ पक रही हैं भाई। वैसे इसका माहौल पूछो भी कैसा है? हाँ जी इसका माहौल ठीक है। माहौल आपको क्या लगता है, कौन सी किस किस कौन सी पार्टी की वेव है यहाँ पर? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा आप बताइए, आप नमस्कार बताओ जी, आपका नाम? रोशन लाल। अच्छा क्या 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 माहौल है यहाँ पर? बढ़िया जी माहौल, भारतीय जनता पार्टी का बहुत तगड़ा माहौल है और यहाँ से करणदेव कंबोज जीतेगा। तो भाई बहनों इधर करणदेव कंबोज जी की बात हुई, अब हम आगे चलते हैं। आज इधर हाँ 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 नमस्कार योगेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। योगेश जी आपका गांव इधर यहीं के? सही हाँ जी। तो आपको क्या लगता है इधर क्या पोजीशन कैसी है? इधर बीजेपी की एजुकेशन पूरी। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर सभी लोग? बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, दूसरी पार्टी है नहीं है, ये क्या बात है? पहले यहाँ बहुत, क्योंकि हमारे पे भी क्वेश्चन निशान हो जाएंगे, पर्टिकुलर एक पार्टी की फेवर कर रहे हैं तो हमें भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं, यहाँ पे लोग भी बीजेपी कह रहे हैं कि वाकई है पर ऐसे? सर यहाँ पे पहले बीजेपी ने बहुत काम कराए हुए हैं। अच्छा बहुत काम किया है, पार्क बनाए हैं, श्याम सिंह राणा जी ने बहुत काम कराया है। अच्छा तो आपको लगता है श्याम सिंह राणा जी की टिप्पणी मिली इनको कंबोज साहब को मिली कुछ फैक्ट पड़ेगा? ये तो पार्टी ने जिसको देनी, हम तो पार्टी के साथ हैं। तो देखिए इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। अब हम दुकान पर चलते हैं, क्या नाम है बेटे? विकास वर्मा जी। हाँ विकास, एक क्या आप यहीं के लोकल? हाँ जी, जी लोकल से। तो इधर आपको क्या लगता है माहौल है जो? देखो बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जब पिछले MLA ने भी किए। हाँ जी बहुत ही, श्याम सिंह ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ पर लेकिन हम यहाँ पर है कि मंदी के व्यापारी जो है ना, व्यापारी मंदी पर चल रहे हैं। अच्छा देखो इन्होंने, विकास जी ने कहा कि मंदी की मार तो हर व्यापारी झेल रहा है, लेकिन इस ये आपको जो मंदी की मार पड़ रही है उसमें वोटिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? पड़ सकता है वोटिंग पे इफेक्ट? पड़ सकता है। तो विकास जी ने कहा कि मंदी की मार पार का वोटिंग पर इफेक्ट पड़ सकता है। अब हम आगे चलते हैं, मंदार हल्का रादौर। रादौर क्या लगता है आपको? इधर हमारे मंत्री जी जीते हैं, करणदेव। हाँ जी तो इन्होंने भी करणदेव जी पर मोहर लगा दी। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों ने इलेक्शन से पहले ही मन बना लिया है कि इलेक्शन से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले यहाँ के लोग मन बना रहे हैं। तो आपने देखा होगा डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अपने कैमरामैन अरविंद अर्थवाद, तमाम भाइयों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा नमस्कार। हम इस टाइम रादौर के अंदर है, रादौर की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखा रहे हैं और हमारे बीच आपने देखा होगा बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, सभी ने अपने व्यूज दिए, दुकानदारों ने दिए। अब हम चलते हैं मातृशक्ति की तरफ। हमारे बीच में मैम सहगल बैठे। मैडम आपका बहुत बहुत पहले स्वागत है। हम तो शुरू से ही वैसे भाजपा के साथ ही हैं, परंतु अब मोदी जी के नेतृत्व में सब जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और उनके साथ ही जो करण जी लगे हुए हैं वो बहुत ही नेक आदमी हैं। हमारे को भी बहुत अच्छा पूछते हैं और जो भी वो तो यहाँ भी आते हैं जब तो यही पूछते हैं ये काम बताइए, जबकि हमारे काम यहाँ पूरे हो रहे हैं और भाजपा का ही नेतृत्व होगा और भाजपा बहुत 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 वोटों से जीतेगी। तो आप ये बताइए कि यहाँ के मौजूदा MLA की टिकट काटी गई है, तो आपको लगता है कि इन इलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है मुकाबले में? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आ सकती, बिल्कुल करण जी बिल्कुल सर्वोपरि हैं, आप चिंता ही मत कीजिए इस बात की। तो ठीक है राणा जी भी भाजपा के थे, हम उनका भी आदर करते हैं, परंतु करण जी तो करण जी हैं। अच्छा जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है भाजपा की, आप उसमें एक जैसे कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, अदर पार्टी कहते हैं, बीजेपी के राज में विकास हमें देखने को नहीं मिला, उसको आप रादौर के एरिया में विकास को किस चीज देखते हैं? नहीं हम बहुत अच्छा देखते हैं, हमारे रादौर में तो आज तक क्या डेवलपमेंट हुई है मेन? ये पार्क बने हैं जैसे बच्चों के खेलने के लिए भी, खास करके लेडीज के लिए, लेडीज के लिए ये हुआ है कि अब औरतें बाहर जाती हैं घूमने के लिए जाती हैं, नहीं तो अंदर ही अंदर रहती थी औरतें। और सबसे बड़ी बात है जो लेडीज के लिए आगे बढ़ने के कदम हो रहे हैं, ये आगे और भी बातें आ रही हैं, अभी लेडीज के लिए पढ़ाई फ्री हो जाएगी या कुछ हॉस्पिटल के लिए अच्छी हॉस्पिटलिटी मिलेगी,
तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो देखा कि इधर मैडम सहगल ने भी कह दिया है कि भी यहाँ पर पूर्ण रूप से एक तरफा इलेक्शन चल रहा है। स्वास्तिक शर्मा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।